लेके जाने का मेरा एक ही मोटिव था कि हम जो भारत के जितने भी यूथ हैं वो सभी को इंस्पायर करना साइकिल राइड करने के लिए। इससे हमारा क्या होगा, एक तो पोल्यूशन कम रहेगा और दूसरा जो है हमारा शरीर जो है बिल्कुल फिट रहेगा। और इसी मोटिव के साथ हमें कई लोग बोला कि ट्रेन से आ जाओ भाई, बस से आ जाओ, थोड़ा करके वैसे आ जाओ, अगर टिकट नहीं मिला तो मैं फ़्लाइट बुक कर दे रहा हूँ, आप आ जाओ फ्लाइट से आ जाओ। मैंने सोचा नहीं, अगर मैं ट्रेन से और बस से और आपका फ्लाइट से जाऊँगा तो हमने जो मोटिव लेके गए थे उस मोटिव का कोई काम नहीं होगा। तो हमने वापस से साइकिल लिए, दिल्ली गए। दिल्ली में भी हमने इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, अक्षरधाम हो गया, कई सारे जगह घूमे। उसके बाद हम गए मथुरा वृंदावन, जहाँ प्रेम मंदिर है, श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि है, वहाँ पर गए। आगरा गए, आगरा का ताजमहल, रेड फोर्ट हो गया, वो सब घूमकर वापस से हम यूपी को बाय बाय बोले और बिहार में एंटर किए। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद असम में आए। राज्यों में कैसा आपके साथ व्यवहार हुआ, मतलब आपको सहयोग कितना? बहुत सहयोग मिला हमें, हर रास्ते पे लोग कहते थे, बोलते थे कि असम से आए हो, हमने बोला हाँ, इतने दूर से, उस कोने से इस कोने साइकिल लेके, हमसे तो नहीं हो पाएगा। वो रुकाते थे, खाना वाना खिलाते थे, कोई कोई तो बोलते थे कि रात हो गई है, यहीं पर रुक जाओ। लेकिन हमें और आगे जाना था, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है, हमें टारगेट लेके रखते थे 150 से 200 के बीच। और अगर हम 150 से 200 के बीच जाएंगे तो वहाँ पर हमारा मतलब रहने का हर एक चीज़ का सुविधा मिलेगा। तो हमने उनको बोला कि नहीं भी, हम आगे जाएंगे और 20 किलोमीटर वहाँ पर अपना कई सारे भाई लोग जो है इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो वहाँ पर चले जाते थे। बहुत सहयोग मिला हमें। आपका ये पूरे कितने दिनों का समय लगा आपके? 3 महीना 12 दिन आज हो गए हमारे। 3 महीने 12 दिन बाद आज वापस इन जगह पहुँचे। जी जी जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।